दोस्तों स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाले 730 और 730G प्रोसेसर, जो कि दोस्तों बहुत ही दमदार और गेमिंग प्रोसेसर कहे जाते हैं। और इसका मुकाबला दोस्तों होने वाला है मीडियाटेक के G90 और G90T प्रोसेसर के साथ। और दोस्तों मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन दोनों इन दोनों प्रोसेसर को बहुत ही दमदार प्रोसेसर कहती है। और इस सीरीज को दोस्तों बहुत ही अच्छी गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इन दोनों प्रोसेसर के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस देता है और गेमिंग के हिसाब से दोस्तों बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अभी 730G आपको पोको X2 में देखने को मिला था, जो कि गेमिंग प्रोसेसर कहा जाता है और बहुत ही कमाल का मोबाइल होता है पोको X2। और दोस्तों G90T आपको मिला था रेडमी नोट 8 में। अब दोस्तों ये प्रोसेसर रियलमी यूज करने वाली है अपने 6 सीरीज में, और आपको रियलमी 6 में आपको G90T प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और वही दोस्तों रियलमी के 6 प्रो अप में आपको 720G प्रोसेसर की स्नैपड्रैगन की तरफ से आता है वो देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा बेहतर है और कौन सा आपको मोबाइल खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों ही बजट रेंज में आते हैं। और रियलमी की 6 सीरीज तो बहुत ही धमाका करने वाली है, बहुत ही बजट प्राइस में आपको देखने को मिलेगी ये प्रोसेसर, और बहुत ही अच्छे मोबाइल और स्पेसिफिकेशन बहुत ही बेहतर देखने को मिल रही है। पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रही है, पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप है 64 मेगापिक्सल का, और बजट प्राइस दोस्तों इसकी प्राइस बहुत ही एग्रेसिव रहने वाली है। और बताया जा रहा है दोस्तों कुछ लीक्स के हिसाब से कि इसकी प्राइस 10,000 रुपए से शुरू होगी रियलमी 6 की, और रियलमी 6 प्रो की प्राइस दोस्तों 14,000 करीब होने वाली है पहला वेरियंट की। अब शुरू करते हैं वीडियो को, और हमारा मकसद यही है दोस्तों आपको प्रोसेसर के बारे में बताना, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा मोबाइल हमें परचेज करना चाहिए और कौन सा गेमिंग के हिसाब से बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को। तो रियलमी के 6 सीरीज में आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाले G90T प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। वही दोस्तों 6 प्रो में आपको 730G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मीडियाटेक के दोनों ही प्रोसेसर के बीच कंपेयर करेंगे कौन सा बेहतर है और स्नैपड्रैगन से ये कितना बेहतर देखने को मिलता है। वही बात करते हैं दोस्तों 64 बिट पर दोनों ही प्रोसेसर वर्क करते हैं, 8 कोर देखने को मिलता है, 12 नैनोमीटर पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसी मामले में आपको दोस्तों कॉर्टेक्स की बात करें तो 2X आर्म कॉर्टेक्स A76 पर वर्क करते हैं अप टू 2.05 GHz पर। वही दोस्तों G90 आपको 2.0 GHz पर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि थोड़ा सा बेहतर दिखाई देता है G90T। अब बात करते हैं दोस्तों 6 कोर की, तो आपको 6 कोर आर्म कॉर्टेक्स A55 पर दोनों ही वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मामले में दोस्तों थोड़ा सा बेहतर आपको G90T दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें G90 थोड़ा सा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों 2 GHz पर वर्क करता है। अब बात करते हैं दोस्तों GPU की, तो जो आर्म माली G76 दोनों में देखने को मिल जाता है, जिससे GPU के मामले में दोस्तों दोनों ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई देते हुए हैं। और दोस्तों आर्म का माली 800 MHz पर वर्क करता है। वही दोस्तों ये G90 है आपको 720 MHz पर वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस की, तो कैमरा में आपको 64 MP देखते हुए मिलता है G90T में, और G90 में आपको 48 MP का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है G90T में, वही दोस्तों ट्रिपल कैमरा सपोर्ट 48 MP का G90 में देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात की जाए दोस्तों USF 2.1 स्टोरेज दोनों में देखने को मिलती है, eMMC 5.1 दोनों में देखने को मिल जाती है। और दोस्तों मेमोरी की बात की जाए तो LPDDR4X दोनों में देखने को मिलती है। वही दोस्तों 10 GB और 8 GB का डिफरेंस देखने को मिलता है। वही 21 तो 33 MHz ड्यूल चैनल पर दोनों ही वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो दोस्तों 2400x1080 फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है, 21:9 का रेशियो दोनों में देख मिल जाता है। दोस्तों अब बात की जाए तो डिस्प्ले में तो 90Hz का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है दोस्तों G90T में, वही 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है G90 में। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में G90T थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में दोस्तों 4G VoLTE आपको दोनों में सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर दोस्तों ड्यूल VoLTE G90T में मिलता है, बल्कि VoLTE G90 में देखने को मिल जाता है। तो AI की बात की जाए तो मीडियाटेक का APU दोनों में देखने को मिलता है 750 MHz पर। और साथ ही साथ दोस्तों अंततः स्कोर की बात की जाए तो 222,630 अंततः स्कोर देखने को मिलता है मीडियाटेक के G90 का। और अगर 730 और 730G से कंपेयर किया जाए तो दोस्तों इसमें भी बेहतर अंततः स्कोर G90T का दिखाई दे रहा है, जो कि 222,000 और 210,000 आपको 730 का मिलता है, 730G का आपको 200,000 देखने को मिल जाता है। तो अंततः स्कोर और CPU परफॉर्मेंस बेंचमार्क में सबसे नंबर 1 पर G90T दिखाई दे रहा है आप दोनों को। तो दोस्तों सिंगल कोर मल्टी कोर में दोनों ही बेहतर कोर बेहतर
कंपनी के हिसाब से। और दोस्तों आपको पता है स्नैपड्रैगन 720 के साथ भी आने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना।